फैसला होगा। दरअसल किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद होने वाली है। 1,92,000 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज मतदान सुबह 7 बजे से चल रहा है। तो देखिए 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है। 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। 1,92,000 मतदान केंद्रों पर वोटिंग चल रही है पूरे देश भर में। कुल 10 राज्य पे यहाँ पर वोटिंग चल रही है। 1717 मतदान केंद्र हमारे देश का मुस्तकबिल है और जिनके खंडों पर इस देश को चलाने की जिम्मेदारी आएगी। मोदी सरकार ने जब अग्निवीर की स्कीम आर्मी में ला ली और 4 साल के बाद आपको निकल जाना पड़ता है, वैसा ही ये करेंगे। सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आरपीएफ में, एसएसबी में, तो ये आपको समझने की जरूरत है। और वही आर्गुमेंट देंगे, आपके हाथ में 20 लाख आ जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। रेलवेज में भी करेंगे नहीं करेंगे, और आरपीएफ में तो करेंगे। सो व्हाट्स योर टेक ऑन द इंडिया ब्लॉक अलायंस? आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट, सो आई कैनॉट कमेंट ऑन इट। लेकिन आप समर्थन कर रहे हैं, उनके लिए इशारा किया है आपने। 75 साल की उम्र जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिटायर किया जाएगा, उनकी जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे, आम आदमी पार्टी का आरोप है, इसके ऊपर आप कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे? नहीं मालूम मैं कैसा रिएक्ट करूंगा उस पर, वो तो एक पार्टी का है। बट जब उनकी पार्टी ने खुद ये कहा था कि मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे, अब नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। जीतेंगे या नहीं जीतने पर भी वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे नहीं मालूम। तो ये तो उन्होंने तो अपने पार्टी के लीडर्स को किया है, बट ये उनकी पार्टी का फैसला है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। मोटे को पतले को वोट करो, क्या इशारा है? क्या ये सीक्रेट आपके साथ जो कांग्रेस के साथ साझेदारी हो रही है, क्या हो रहा है? आपने आखिरी दिन आप लोग देखिए, ये कोई क्या बोलना चाहिए कि इस तरह का रिमार्क नहीं है ये। नहीं आप सुन तो लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि 90% वोट ले। अरे भाई सब चीज है ना भाई, आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो, हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो, तो इसमें बुरी बात। कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नाम भरे पॉसिबल है 400 पार। देखिए 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब, तो ये मैसेज जा चुका है। स्टिल मोदी इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन मल्टीपल सर्वेज इन द कंट्री। वेल सर, तेलंगाना में चुनाव खत्म हो गए हैं, आप अलग अलग खत्म कहाँ हुए? अरे तेलंगाना में कहाँ खत्म हुए भाई, क्या बोल रहे? 6 बजे तक वोट डालना है आप लोगों को, 7 बजे तक चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों में 6 PM, तो 6 बजे तक जाइए भाई, वोट डालिए, ऐसा कैसा होगा? वोट प्रचार करने अलग अलग राज्यों में जाएंगे? हाँ जाएंगे। सर इट्स योर बर्थडे टुडे एंड वी आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। इज इट योर बर्थडे? नो आई हैव नेवर सेलिब्रेटेड माय बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी दैट यू नो अल्लाह सुभाना व तआला एंड माय मदर गेव बर्थ टू मी एंड आई वाज बोर्न टू दिस टू You know, my parents, my late father, my mother, you know, I'm extremely grateful to them. Whatever I am in this world is because of their blessings, because of their giving. There's a poster that says, give a vote to OEC on his birthday today. No, not at all, not at all, not at all. You have to vote not for an individual. See, the whole understanding of you and the message of anyone going on to vote is forget about individuals. Forget about all this cult following. The country is bigger than any individual. Don't vote for an individual. Vote for the country. Vote for a party. How are you celebrating your birthday today? No, I don't. I, no, Nabila. Unless you understand, I have never celebrated my birthday. Okay.